सलमान खान के शो बिग बॉस के मेकर्स को मांगनी पड़ी माफी। शो के कंटेस्टेंट जॉन कुमार सानू के एक कमेंट की वजह से खड़ा हुआ हंगामा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस शो को एयर करने वाले चैनल कलर्स ने किया अपोलोजाइज। दरअसल इस शो के कंटेस्टेंट जॉन कुमार सानू ने कंटेस्टेंट निकी तंबोली के मराठी में बात करने को लेकर कहा था कि इट इरिटेट्स हिम, और मराठी लैंग्वेज को लेकर आया जॉन कुमार सानू का यही रिमार्क काफी लोगों को नहीं आया है पसंद। और इसे लेकर पॉलिटिकल सर्कल से काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस सामने आए थे। और अब इस मामले में बिग बॉस के मेकर्स ने ऑफिशियली अपोलोजाइज किया है और हर प्लेटफॉर्म से इस क्लिप को हटाने की बात कही है। साथ ही कल एयर हुए एपिसोड में जॉन कुमार सानू ने भी ऑन कैमरा अपनी गलती मानते हुए सभी से माफी मांगी है। वैसे बिग बॉस सीजन 14 की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो घर की कैप्टन कविता और रुबीना दिलायक के बीच जंग छिड़ गई है। दरअसल कैप्टन कविता रुबीना से अपने लिए फ्रूट कट करने के लिए कहती हैं, लेकिन रुबीना दिलायक ये कहते हुए ये काम करने से इनकार कर देती हैं कि ये कविता का पर्सनल वर्क है, जिस पर कविता रुबीना को बुलाती हैं कलेशी और नेगेटिव इंसान। दूसरी ओर जॉन कुमार सानू और निकी तंबोली बन गए हैं क्यूपिड्स, जो एजाज खान और पवित्रा पुनिया को पास लाने की कर रहे हैं कोशिश। अब देखना होगा क्या निकी तंबोली और जॉन कुमार सानू की ये कोशिश होती है कामयाब और बिग बॉस के घर में इस सीजन में बनती है एक नई जोड़ी। वैसे इसकी झलक शो में ऑलरेडी दिख रही है, क्योंकि शो के लेटेस्ट एपिसोड में पवित्रा पुनिया ने एजाज खान के लिए बनाया एक हार्ट शेप पराठा। साथ ही घर में हुए कैप्टनसी टास्क को लेकर जैस्मिन भसीन और राहुल वैद्य की जंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और दोनों जम कर एक दूसरे को कर रहे हैं टारगेट। वेल, बिग बॉस के इस सीजन में शुरुआत से ही हो रही है जमकर कॉन्ट्रोवर्सी, और ये कहना पड़ेगा सभी कंटेस्टेंट्स फैंस को कर रहे हैं फुल ऑन एंटरटेन।